नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वह कौन सी सोशल इंजीनियरिंग है जिसका उपयोग करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने कमाल कर दिया, जिससे दोनों की सीटें यूपी में बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट गई। साल 2017 का विधानसभा चुनाव, साथ लड़ने का राहुल और अखिलेश का अनुभव काफी रिहर्सल के तरीके था, जो इस बार कमाल कर गया। तब यह जोड़ी कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इस जोड़ी ने भाजपा की सीटें आधी भी कर दी। ऐसी उम्मीद शायद खुद इस गठजोड़ को नहीं रही होगी। 2014 में लोकसभा चुनाव में भी ऐसा अनुमान गलत साबित हुआ, जब भाजपा को उम्मीद से कहीं ज्यादा अप्रत्याशित रूप से 71 सीटें मिल गई थी, जिस कारण भाजपाई गुमान करने लगे थे। बड़े चेहरे की चकाचौंध पर इतराती भाजपा ने जहां इस अति आत्मविश्वास से टिकट वितरण किए कि जिसे वह टिकट देंगे वह जीत कराएगा, वहीं अखिलेश यादव ने इसके विपरीत सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा, मुस्लिमों और यादवों को ज्यादा टिकट नहीं दिए। सोच समझ कर इस बार पिछड़ी और दलित जातियों को टिकट दिए, साथ ही इसे बचे टिकट पिछड़ों और दलितों को देकर अपनी तरफ कर लिया। इस इंजीनियरिंग का जोर ऐसा चला कि बड़े से मंत्री धाराशाही हो गए। मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे नरेंद्र मोदी की जीत पर भी यह असर डाल गया, जिस नाते इस सोशल इंजीनियरिंग की वाह वाह हो रही है। इस चुनाव की एक बात और रही कि इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ, बल्कि जातीय गोलबंदी हावी रहा। अलबत्ता मुस्लिम वोट बैंक जरूर मजबूती के साथ समाजवादी के बेस वोट बैंक की तरह खड़ा रहा। इस चुनाव में जाति ध्रुव का पत्ता रही, अखिलेश ने इसे समझदारी से चला। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मानी जाने वाली पिछड़ी और दलित जातियों को आगे बढ़कर टिकट दे दिए। जाति समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी उतार दिया। अयोध्या जबकि सामान्य सीट थी उस पर भी दलित प्रत्याशी उतार दिया, जो कि वह जीत गया। बेस वोट बैंक से प्रत्याशी की जात का वोट जुड़ा तो नतीजा सामने है। इंडिया गठबंधन भीषण गर्मी के बीच आमजन को महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों की तपिश महसूस कराने में कामयाब रहा, साथ ही पवित्र पुस्तक संविधान से छेड़छाड़ के मुद्दे को इतना जज्बाती बना दिया कि अमन पिछड़ी के साथ पिछड़ी जात के लोगों के साथ दलित भी इस तरह बदले कि भाजपा को चोट कर गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की बात अपने कोटे को लेकर आशंकित समुदाय ने भी अपना मन बदला, कहीं कहीं भाजपा का साथ छोड़ गया। इस चुनाव की एक बेहद बात यह रही कि ज्यादातर मामलों को मुद्दे बनाकर जनता के बीच छोड़ा जा रहा था और वास्तविक मुद्दे दरकिनार करने की कोशिश की गई। यह तरीका भी वोटरों को अखर गई। बेरोजगारी के मारे पूर्वांचल के युवा अग्निवीर भर्ती पर सबसे ज्यादा मुखर दिखे। इस हिस्से में सत्तारूढ़ दल को सबसे जोर का झटका लगा। राम मंदिर का मुद्दा कितना चला, इस सवाल का जवाब यह है कि भाजपा अयोध्या मंडल की सभी सीटें हार गई। मध्य यूपी हार जाने से भाजपा की काफी किरकिरी हुई, अयोध्या की ही जीती हुई सीट भी गंवा दी। चुनाव 3 महीने पहले होते तो शायद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की लहर वोटों में बदलती, अधिक सीटें जीतने पर यूपी से योगी को हटाया जा सकता है। इस नैरेटिव ने भी काफी असर डाला और उसका जोर चला। इंडिया गठबंधन अपनी कुछ खूबियों से कामयाब हुआ तो भाजपा को कुछ गलतियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। राज्य की राय, संगठन की राय को दरकिनार किया गया। कई ऐसे सांसदों को टिकट दे दिया गया जिनसे जनता नाखुश थी। कई सीटों पर सांसद विरोधी लहर को नजरअंदाज किया गया, इसे संगठन के मनोबल पर असर पड़ा। बीच चुनाव संघ के सहारे को खारिज करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान स्वयंसेवकों को नागवार गुजरा, और वे चुनाव में जुटे तो लेकिन हम मन से नहीं। संगठन को भी गुमान रहा कि सरकार तो अपनी ही बन रही है, लिहाजा कार्यकर्ता पहले की तरह उत्साहित नहीं दिखे और घर से निकलकर खुद तो वोट डाले लेकिन पहले की तरह पूरे मन से घर घर जाकर वोट नहीं निकलवाए। बहरहाल अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इन दो लड़कों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में खूब कमाल किया। इनके भाषण के मुद्दे खूब प्रभावी रहे। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।